मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन किया गया, यहाँ पर तो भंडारा चालू हो गया। तीनों के तीनों मेरे टीममेटों को ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे लड्डू फेंक रहे हैं कि मुझे यहाँ पर आकर नाक बनना पड़ता है। देख रहे हो अली बागुली, आग लग गई। नंबर एक नंबर, तो जल्दी से कमरे में चल, पेड़ के पीछे अले आ जा यार, मैं अकेला बचाऊ तुम सबके, तब तू नॉक हो गए नुबड़े साले, आग से लग गई। और ये दो दो तीन तीन बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये आगे बगल से मेरे। नमस्कार देवियों, सज्जनों, दुर्जनों, स्वागत है आप सभी का मार्दरका धुमधड़क्का की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो देखो, मेरे घर पे कल रिश्ते वाले आए थे, तो मेरे पापा ने लड़की वालों से पूछा आपकी बेटी क्या करती है। तो लड़की के बाप ने बोला कि वो मॉडल है और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है। फिर मेरे पिताजी ने लड़की के बाप से बोला, मेरा बेटा भी आर्मी में है, दिन भर गोलियां चलाता रहता है लेकिन पबजी में। अब तुम लोग देखो, मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ और मेरे इस वाले घर को छोड़कर मेरे आसपास के सभी घरों में कोई ना कोई बैठा हुआ था, तो मैं भी यार इस कुंडे में आके बैठ जाता हूँ। और तेरा भाई ध्यान किधर है, जेबा गेमिंग इधर है, किधर देख रहा था भाई। और अविन मोहतरमा को देखो, कैसे आराम से टहलने लग रही थी, बाप का पारक है क्या। मैंने दो बंदों को लपेटा और मेरा टीममेट बोल रहा है कि मैंने कितने बंदों को मार दिया। मेरे टीममेट किल के भूखे रो रहे थे, तो मैंने कहा यार लो इसको तुम ही देखो। लेकिन भाई वो बंदा भी मुझे ही किल देने को आता था, तो मैंने ले लिया भाई। ऐसे हम छोड़ते नहीं है माल को। इधर से सभी आतंकवादियों का सफाया करने के बाद हम इधर आ जाते हैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और मुझे पता चलती कि इस वाले घर में एक भाई सब कैंप करके बैठे हुए थे, तो मैं उनको लड्डू खिलाने के लिए अपना लड्डू निकालता हूँ और खींचता हूँ। लेकिन भाई मेरा मन नहीं करता उसको लड्डू खिलाने का, तो मैं भाई उसको और कुछ खिलाने का ट्राई करता हूँ। भाई तू गोरिया ही का, लड्डू खाने के लायक नहीं है ये। अरे आराम से लड़ो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, चारों ओर बंदे, कौन कहाँ से कूद के मेरी पेटी बना देगा मुझे खुद नहीं पता है। ओ कैंपर, ये माकन चोर कैसे कैंप कर रहा था, मैं ऐसे ही बंदों की बात कर रहा था। चलो बेटा अपने बंदों के पास चलो, लॉबी में मिलना, लॉबी में बात करना। अब मेरी हेल्थ देखो कितनी थोड़ी सी रह गई, अब मेरे पास कोई फर्स्ट एड भी नहीं है। कोई फर्स्ट एड तो दे दो भाई इस गरीब को। नंबर चार देखो, अपना बम से ही नॉक हो गया। तो पूरे दो घंटे बैंडेज करने के बाद मेरी हेल्थ फुल हो जाती है और मैं जाता हूँ उस बंदे को लपेटने के लिए जो कि इस घर के ऊपर बैठा हुआ था। और मैं अकेला था तो मेरी हिम्मत नहीं बनी ऊपर जाने की। अरे वो बोट रो मतलब यार, मैं बैंडेज रगड़कर, इंजेक्शन लगाकर, फुल हेल्थ लगाकर मैं इस बंदे पर रस करता हूँ। और देखो आखिरकार मुझे मिला क्या, कोई किल का किल नहीं मिला, उसका उल्टा सारा डैमेज मुझे मिल गया। अब दोबारा से मुझे बैंडेज रगड़कर अपनी हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो बैंडेजेस वगैरह रगड़ने के बाद हम आ जाते हैं स्कूल के पास, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहाँ पर अक्सर मेरी पेटी बन जाया करती है। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारी पेटी ना बने, क्योंकि हमारा भाई गेम प्ले भी तो चल रहा है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बंदों पर ना घुस के यहाँ पर जाता हूँ और अपने टीममेट को भेज देता हूँ बंदों के पास, बेटा तू जा। वैसे भी उसके चुल मच रही थी बंदों को लपेटने के लिए, और उस चुल को मिटाने के लिए उसके पास बंदे भी आ जाते हैं, एक के ऊपर एक कूदने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो देखो ये बंदा बहुत डैमेज किया था और नॉक भी कर दिया था, दूसरा वाला बच के भाग गया और मेरा टीममेट देखो नॉक पड़ा हुआ है, फिनिश भी कर दिया उसको। मैं सोच रहा था मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन भाई उसका बदला लेना पड़ेगा मुझे। मेरी यूएमपी का रीलोड पे चले गई, ये तो मेरे ऊपर अंधा रश कर देता है बिना ब्रश किए, दांतों में से बदबू आ रही थी। तो और इसके टीममेट सबके सब वहाँ पर कैंप कर रहे थे ऊपर वाली फ्लोर पे। तो मैं अपने बदले की भावना को थोड़ा ठंडा रख के यहाँ पर वेट करता हूँ बंदों को रश करने का, और वो बंदे तो हमारे ऊपर रश करते नहीं। तो सामने से क्या है, मुझे साउंड आने लग जाता है, गोलियाँ चलने लग जाती है और गाड़ी भी आता है, बम भी फेंकने लग जाते, पता नहीं क्या क्या आता है। अरे इतना सारा मार लेके डोल रहा था मेरा टीममेट, सही है पेटी बन गई इसकी, टीममेट ना काम आया तो कम से कम इसकी लूट तो काम आ जाएगी। और यहां पर ये देखो बॉट फायर कर रहे थे, तो इनका किल तो लेना ही था मुझे। मुझे तो लगा यहाँ पर बॉट की स्क्वाड आ गई है पूरी, एक एक करके सब आते ही जा रहे हैं, प्रकट होते ही जा रहे हैं। खैर छोड़ो, ऊपर जो दो बंदे बचे हुए वो तो दौड़ लगाने लग रहे हैं भाई, इनको वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भेज देना चाहिए, जेन बोल्ट को टक्कर दे देंगे ये तो दौड़ने में। एक इधर दौड़ रहा है एक उधर दौड़ने लग रहा है, पता नहीं मैं क्या करूं। हाँ ठीक है, पहले मैं ऊपर जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे ना। ओ ये कैसे बैठा हुआ था रसन, चलो इसको फिनिश कर दिया। अब दूसरे वाले की बारी है, इसके अंदर छुपा बैठा है, इसकी गैस क्या नहीं फोड़ देता हूँ।
अब ये बंदा जो है डायरेक्ट फिनिश हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारे बंदों का सफाया कर दिया, और तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा, जाहिर सी बात है ये बंदा फिनिश हुआ है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक लसन इस बिल्डिंग के अंदर कैंप करके बैठा था, और वो देखना मेरे टीममेटों की हालत कैसे पतली कर देता है। तो देखा तुम लोगों ने किस तरीके से इसने मेरे एक टीममेट को स्वर्गलोक का रास्ता दिखा दिया। इस बड़ी बिल्डिंग में ऐसे गेमर्स का मिलना तो जाहिर सी बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक हाथ दो बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा होगा, तो चुपचाप हम यहाँ से निकल लेते भाई, ऐसे कैंपर उसे पिटने से अच्छा तो चुपचाप निकल ले, और इसी में हमारी भलाई है। तो अभी हम आ जाते हैं इस ब्रिज के पास में, और यहाँ पर पूरी टीम जो है कैंप कर रही थी, तो हम भी चोरी चोरी चिपके चिपके बिना किसी को बताए उनके पास जाने का प्रयास करते हैं। और मैं यहाँ पर अगर सांप बन जाता हूँ, किसी को पता ना चले और मुझे सामने ये दिखाई देता है, तो इसको लॉक करने के बाद मैं दोबारा सांप बन जाता हूँ, और गोली पता नहीं मुझे कहाँ से पड़ रही है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ फर्स्ट एड, ओ अरे विशाल भाई आ जाओ, बचा लो जरा, अरे बचा लो भाई। अब मुझे तो पता नहीं किसने मुझे नॉक किया और किसने मुझे फ्रिज किया। तो गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना, बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा देना, और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर देना।